हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड। आज हम मेकअप करने जा रहे हैं एसिड अटैक पीपल्स के लिए। इस लुक में मैंने इंस्पिरेशन ली है छपाक मूवी में, जो आप किरदार निभाया दीपिका पादुकोण ने, उससे मैंने इंस्पिरेशन ली। वो भी मेकअप था, तो आई वॉज थिंकिंग कि मुझे भी एक ऐसा लुक करना चाहिए जिसमें इंस्पिरेशन मिले और एक सिनेमेटिक लुक हो, और वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। उस लुक को क्रिएट करने के लिए उसमें स्कार वैक्स और लेटेक्स यूज़ किया था। मैं बिल्कुल जो घर में प्रोडक्ट होते हैं उनसे यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि किस तरीके से मेकअप कर रहे हैं। इस लुक में मैं अपना फेस हाफ बंद दिखा रही हूँ। मैंने अपने फेस को हाफ डिवाइड कर लिया है। ये मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ। पूरा बर्न इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है। टिश्यू पेपर को मैं वाटर की हेल्प से और ब्रश की हेल्प से प्रॉपर फिक्स कर रही हूँ। टिश्यू पेपर को पूरा पानी के हेल्प से मैं पूरा फेस पे लगा रही हूँ, ताकि ये बाहर ना निकले और अच्छे से फिक्स हो जाए। क्योंकि ये पेपर है और टिश्यू पेपर है, तो पानी के साथ ये अपना शेप ले लेगा जिस तरीके से लगाया जाएगा। और इसमें बीच बीच में अगर कहीं बबल आते हैं या लाइंस आती हैं, तो आप उनको भी ब्रश की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं। जैसे जैसे फेस का स्ट्रक्चर आता जाएगा, उसी तरीके से आप टिश्यू पेपर थोड़ा थोड़ा करके पूरे फेस पे लगा लीजिए। कहीं पे हो सकता है कि आपका थोड़ा सा फेस रह जाए या कुछ हो जाए, तो वहाँ पे आप उतने की ही टिश्यू पेपर लगाइए जितने की ज़रूरत है, और आप उसको फिक्स कर दीजिए। वो अलग नहीं होगा, बट हाँ, आपका इफेक्ट पूरा कंप्लीट उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से आप चाहते हैं। इस लुक को क्रिएट करने के लिए सिर्फ टिश्यू लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फेस में बबल ना आए, क्योंकि वो फ्लफी हो जाएगा। और अगर हम उसके ऊपर कुछ भी काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो वहाँ पे एक इफेक्ट दिखेगा कि यहाँ पे बबलनेस है, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर स्कूल ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। स्कूल ग्लू मैंने स्पंज से पूरे टिश्यू, जहाँ पर जितने एरिया में मैंने टिश्यू लगाया है, उतने एरिया में मैं स्पंज की हेल्प से स्कूल ग्लू लगा रही हूँ, ताकि ये फिक्स हो जाए। क्योंकि टिश्यू पेपर सूखने के बाद निकल जाएगा, तो उसको कवर पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर स्कूल ग्लू का यूज़ किया है। कूल ग्लू पूरा ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर फाउंडेशन यूज़ करेंगे। फाउंडेशन वही यूज़ करें जो आपके नॉर्मल स्किन पे आपने यूज़ किया हुआ है, वही आप अपने टिश्यू पेपर वाले जो स्किन है उसके ऊपर यूज़ करेंगे, ताकि वो एक जैसा कंट्रास्ट उसमें दिखाई दे सके। यहाँ मैं सेकेंड हाफ फेस पर मेकअप कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर आईब्रोज को एक प्रॉपर शेप दिया है। उसके बाद मैं अपने सॉकेट लाइन को ब्लेंड करते हुए बहुत सॉबर कलर से मैं यहाँ पर आईज़ का मेकअप कर रही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ एसिड अटैक पीपल्स के लिए मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो मैंने उसी से ड्रिंक करते हुए उस चीज़ को मेकअप में मैंने डाला है। और मैंने यहाँ पे बहुत वाइब्रेंट कलर्स इसलिए यूज़ नहीं किए हैं। पूरे फेस को मैं यहाँ पर ट्रांसलूसेंट पाउडर से लॉक कर रही हूँ, क्योंकि फाउंडेशन लगा है तो लॉक होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़े देर बाद स्टिकी और अलग हो जाएगा। तो कोई भी हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो उसको लॉक तो करना ही होता है। मैंने अपने फर्स्ट हाफ फेस पर लिप्स पर भी बर्न इफेक्ट दिया था, तो यहाँ पर मैं उसी के अकॉर्डिंग लिपस्टिक लगा रही हूँ, और उसी के ऊपर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, तो इसलिए वो बर्न इफेक्ट ज़्यादा विजिबल हो रहा है। तो आप देखिए कि मैं लिप्स पे भी बर्न इफेक्ट दिया है, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक दिख रहा है। अभी हमारा पूरा रेडी हो गया है छपाक लुक, और वी कैन से एसिड अटैक पीपल्स लुक। ये लुक आप किसी भी सिनेमेटिक लुक में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी को प्रैंक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लोग रील्स भी बनाते हैं, तो उसमें भी यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की और भी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। आपका लाइक, आपका कॉमेंट मेरे लिए मोटिवेशन बनेगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।